गाइस बात करेंगे आज का मुकाबला इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच का जो मुकाबला आज का खेला गया उसमें आज बात करेंगे। सेकंड T20 मुकाबला जो कि बहुत ही शानदार एक रोमांचक सफारी रही उसमें दोस्तों बात करेंगे परफॉर्मेंस किस तरह से मुकाबला खेला गया आज का इंडिया वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रन की एक शानदार पारी खेली है, 9 विकेट नुकसान पर एक बड़ा टारगेट दिया है इंडिया टीम को जीतने के लिए। 162 रन पड़ेगी उधर आज इंडिया की बैटरों ने भी अच्छी परफॉर्म दिखाया लेकिन हर का सामना पड़ा श्रीलंका से। श्रीलंका वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन के बीच का मुकाबला जो एशिया कप का फाइनल मुकाबला था जो आज एशिया कप में इंडिया नहीं ले पाई, आज श्रीलंका ने फिर से एशिया कप में बाजी मार ली, फाइनल मैच जीता है। इधर इंडिया की बात करें इंडिया को यहाँ पे 156 से जीतने 17 रन पर बॉल में दोस्तों इंडिया 162 रन की जरूरत पड़ेगी जीतने के लिए। जसवाल नॉट आउट है संजू सैमसन के साथ, दोनों बल्लेबाज करने आए हैं, बेकरीज मौजूद है भी वहाँ पे एक्स्ट्रा मिला चाहिए, बारिश का मुकाबला थोड़ा सा हुआ है अभी तो बात करेंगे आप श्रीलंका की बैटिंग जो किस तरह रही थी इस मुकाबले की बात करेंगे। अभी यहाँ बात करेंगे तो जसवाल नॉट आउट है, 3 गेंदों सामने किया है, एक छक्का लगाया, 6 रन बनाए आते ही अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, संजू सैमसन ने कोई बॉल खेली नहीं भी, पहला ओवर शॉ हो चुके हैं, 12 की रही 80 रन तो कम से कम 10 ओवर में मुकाबला आसानी से 10 का आराम से मुकाबला है। फिर से बहुत ही शानदार एक रोमांचक दूसरे जो पारी दिखते देखने मिली इस तरह से मुकाबला आज का। सूर्य कुमार यादव आएंगे, ऋषभ पंत आएंगे खेलने के लिए, उसके बाद बात करेंगे हार्दिक पांड्या, रिहान पराग, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अश्विन सिंह, रोहित विष्णु, मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी मुकाबला खेलने से आएंगे। तो दोस्तों पारी एक बार फिर से बहुत ही शानदार अच्छा मुकाबला देखने मिला है, अच्छी पारी देखने मिली है। पारी की बात करें मुकाबले की बात करें तो मुकाबला बहुत ही शानदार अच्छा रहा है आज का मुकाबला। फिर नया मुकाबला जो खेला जाएगा उसमें आज सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, खादी पांडे भी है, बल्लेबाजी करने आए, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच का मुकाबला फिर से बहुत ही शानदार अच्छा रहा है। अब बाद दोस्तों बात करें कि यहाँ पर बैटिंग जो किस तरह से श्रीलंका टीम की 100 रन की 9 विकेट नुकसान पर किस तरह बल्लेबाजी की थी, वैसे बल्लेबाजों ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया था और मुकाबला किस हद तक खेला गया था तो दोस्तों देखते हैं बैटिंग। बारिश का मुकाबला भी इष्ट हुआ है तो प्रथम निशंका ने 32 रन की पारी खेली, 24 गेंदों में 5 चौके लगाए थे उन्होंने, 133 की रीते स्टार रेट। और यहाँ पर रवि बिश्नोई गेंद के लिए विकेट हुए, कुशाल मेडिट ने 33 रन की पारी खेली 11 गेंदों में, 35 गेंद थी रवि बिश्नोई ने के सब का, कुशाल पेड़ ने 53 रन की पारी खेली 34 गेंदों में, 6 चौके 2 छक्के लगाए थे, 155 पर 88 की रीते स्टार रेट। और यहाँ पर 53 रन की पारी खेली कुशाल पेड़ ने, बहुत ही शानदार अच्छे मुकाबले देखने को मिले। 26 की पारी खेली ने 26 से बनाए, फिर से बहुत ही शानदार अच्छा मुकाबला देखने मिला, 4 चौके लगाए थे 113 की स्ट्राइक रेट। और बात करेंगे श्रीलंका कैप्टन की जो कि अच्छी परफॉर्मेंस मुकाबला अच्छे खेला गया था, पारी बहुत अच्छी थी, 12 गेंद 14 रन बनाए, 1 चौका लगाया था, 16 की स्ट्राइक रेट, अच्छा मुकाबला, 35 गेंद थी सैमसन के सब का, परफॉर्म बहुत ही शानदार अच्छा रहा है। अब यहाँ बात करने वाला जो मुकाबला किस तरह से खेला गया परफॉर्म की बात करेंगे, मुकाबला आज का पारी जो किस तरह रही इस मुकाबले की बात करेंगे दोस्तों। नॉट आउट है पारी अच्छी के लिए, अब बात करेंगे परफॉर्म की, एक्स्ट्रा मिले 11 रन, बात प्रथम पसंद 11 रन पारी खेली, ये बार फिर से बहुत ही शानदार अच्छा मुकाबला देखने मिला है, परफॉर्म बहुत ही शानदार अच्छा रहा है, पारी बहुत ही अच्छी शानदार अच्छी रही दोस्तों। दोस्तों बात करेंगे बैटिंग जो परफॉर्म किस तरह रहा है इस मुकाबले की बात करें, बैटिंग परफॉर्म देखते तो बहुत ही शानदार अच्छी पारी हुई है। हाय गाइस बात करेंगे आज का मुकाबला इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच का जो मुकाबला आज का खेला गया उसमें आज बात करेंगे। सेकंड T20 मुकाबला जो कि बहुत ही शानदार एक रोमांचक सफारी रही उसमें दोस्तों बात करेंगे परफॉर्मेंस किस तरह से मुकाबला खेला गया आज का इंडिया वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रन की एक शानदार पारी खेली है, 9 विकेट नुकसान पर एक बड़ा टारगेट दिया है इंडिया टीम को जीतने के लिए, 162 रन पड़ेगी उधर आज इंडिया की बैटरों ने भी अच्छी परफॉर्म दिखाया लेकिन हर का सामना पड़ा श्रीलंका से। श्रीलंका वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन के बीच का मुकाबला जो एशिया कप का फाइनल मुकाबला था जो आज एशिया कप में इंडिया नहीं ले पाई, आज श्रीलंका ने फिर से एशिया कप में बाजी मार ली, फाइनल मैच जीता है। इधर इंडिया की बात करें इंडिया को यहाँ पे 156 से जीतने 17 रन पर बॉल में दोस्तों इंडिया 162 रन की जरूरत पड़ेगी जीतने के लिए। जसवाल नॉट आउट है संजू सैमसन के साथ, दोनों बल्लेबाज करने आए हैं, बेकरीज मौजूद है भी वहाँ पे एक्स्ट्रा मिला चाहिए, बारिश का मुकाबला हुआ है अभी तो बात करेंगे आप श्रीलंका की बैटिंग जो किस तरह रही थी इस मुकाबले की बात करेंगे। अभी यहाँ बात करेंगे तो जसवाल नॉट आउट है, 3 गेंदों सामने किया, एक छक्का लगाया, 6 रन बनाए आते ही अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, और संजू सैमसन ने कोई बॉल खेली नहीं भी, पहला ओवर शॉ हो चुके हैं, 12 की रही 80 रन तो कम से कम 10 ओवर में मुकाबला आसानी से 10 का आराम से मुकाबला है। फिर से बहुत ही शानदार एक रोमांचक दूसरे जो पारी दिखते देखने मिली इस तरह से मुकाबला आज का। सूर्य कुमार यादव आएंगे, ऋषभ पंत आएंगे खेलने के लिए, उसके बाद बात करेंगे
हार्दिक पांड्या, रियान पराग, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अश्वित सिंह, रोहित बिश्नोई, मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी तो मुकाबला खेल उससे आएंगे। तो उससे पारी का फिर से बहुत ही शानदार अच्छा मुकाबला जो देखने मिला है, अच्छी पारी उसको भी मिली। पारी की बात करें, मुकाबले की बात करें, मुकाबला बहुत शानदार अच्छा रहा है। आज का मुकाबला फिर नया मुकाबला जो खेला जाएगा उसमें आज सूर्य कैप्टन है, हार्दिक पांड्या भी है, बल्लेबाजी करने हैं। इंडिया वर्सेज श्रीलंका के बीच का मुकाबला फिर से बहुत ही शानदार अच्छा रहा है। और बाद दोस्तों बात करें कि यहाँ पर बैटिंग जो किस तरह से श्रीलंका टीम की 106 रन की 9 विकेट नुकसान पर किस तरह बल्लेबाजी की रुकी थी, बल्लेबाजों ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया था और मुकाबला किस हद तक खेला गया था। तो दोस्तों देखते हैं बैटिंग बारिश का मुकाबला भी इष्ट रद्द हुआ है। तो प्रथम निशंका ने 32 रन की पारी खेली, 24 गेंदों में 5 चौके लगाए थे उन्होंने, 133 की टेस्ट है रेट। और यहाँ पर रोहित बिश्नोई गेंद खेले विकेट हुए। कुशाल मेंडिस ने 23 रन की पारी खेली 11 गेंदों में, 25वीं गेंद थी रोहित बिश्नोई ने केशव का। कुशाल पेड़ा ने 53 रन की पारी खेली, 34 गेंदों में 6 चौके 2 छक्के लगाए थे, 155 पर 88 की स्ट्राइक रेट। और यहाँ पर 53 रन की पारी खेली कुशाल पेड़ा ने, बहुत ही शानदार अच्छा मुकाबला देखने को मिला है। 26 की पारी खेली कमी मेंडिस ने, 23 गेंदों 24 से बनाए, फिर से बहुत ही शानदार अच्छा मुकाबला देखने को मिला। 4 चौके लगाए थे 113 की स्ट्राइक रेट। और बात करेंगे सिद्धार्थ लंका कैप्टन की, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस मुकाबला अच्छी खेला गया था, पारी बहुत अच्छी थी, 12 गेंदों 14 रन बनाए, 1 चौका लगाया था, 16 की स्ट्राइक रेट, अच्छा मुकाबला। अर्जित सिंह गेंद थी सैमसन के तरफ का, परफॉर्म बहुत ही शानदार अच्छा रहा है। अब यहाँ बात करने वाला जो मुकाबला किस तरह से खेला गया है, हम की बात करेंगे मुकाबला आज का पारी जो किस तरह रही इस मुकाबले की बात करेंगे। दोस्तों नोट आउट है पारी अच्छी के लिए। अब बात करेंगे परफॉर्म की, एक्स्ट्रा मिले 11 रन बाद प्रथम ने 11 पारी खेली। ये बार फिर से बहुत ही शानदार अच्छा मुकाबला उसने मिला है, परफॉर्म बहुत ही शानदार अच्छा रहा है, पारी बहुत ही अच्छी शानदार अच्छी रही। दोस्तों बात करेंगे बैटिंग जो परफॉर्म किस तरह इस मुकाबले की बात, बैटिंग परफॉर्म देखते बहुत ही शानदार अच्छा पारी हुई है।